स्मार्ट वाईफाई एलईडी बल्ब है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करके और ये कैसे वर्क करता है मोबाइल ऐप के थ्रू फ़ोन पे। आइए चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। आप इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एसेसरीज निकली है, एक बल्ब है, इसके साथ एक मैनुअल मिलता है। इसमें सारा प्रोसेस दे रखा है कि इसमें कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या फीचर है, सारा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या है मैं इसको चालू करके मैं दिखाने वाला हूँ। अभी मैंने एक नॉर्मल सॉकेट का बल्ब सॉकेट लिया हुआ है, इससे मैं चला के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने लगा दिया, मैंने आपको ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया है। इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे लाने के लिए क्या करना है, इसे जो सॉकेट में लगा रखा है इसको तीन बार हम प्लग अनप्लग करेंगे। स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन मोड स्टार्ट हो गया है। अब मैं फ़ोन पे इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ फोन पर कैसे ऐड हो गए प्रोसेस। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पे सिक्योराइज स्मार्ट लिखना है। ऑलरेडी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसमें मैंने आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आएगा और आपको उस टाइम फिर प्लस पे क्लिक करना है ऐड डिवाइस पे। जैसे ऐड डिवाइस करेंगे तो अपने आप एक पॉपअप बन के आ जाएगा। ये देखिए बल्ब का एक आइकन आ गया बन के, ये देख सकते हैं बल्ब का एक आइकन आ गया। तो उसमें मैं गो टू ऐड करूँगा। अब ये यहाँ पर क्या है, वाईफाई का नाम पूछा जिस वाईफाई से इसे कनेक्ट करना है। तो आप सर्च भी कर सकते हैं, राइट साइड में इसके जो सिंबल बना है इस पर जाएंगे तो आपके नियर बाय जितने भी वाईफाई होंगे वो सारे सर्च हो जाएंगे। तो मैं सिक्योर अपने जो वाईफाई है मेरे यहाँ का वो मैं उसे ऐड कर रहा हूँ। पासवर्ड डालेंगे जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पासवर्ड डाल के फिर जैसे आप नेक्स्ट करोगे ये देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा आइकन घूम रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड स्टार्ट कर रहा है। जैसे ये मोड स्टार्ट होगा तो ये जो बल्ब है अब ये देखिए ब्लिंक करना बंद हो गया है। ये पेयरिंग स्टार्ट हो गया, राइट आ गया ऊपर से आइकन बन के। अब नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अभी कह रहे बल्ब को आपके जो भी नाम देना है आप उसे नाम भी दे सकते हैं, फिर डन करेंगे। एक कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टार्ट हो गई है, ये 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 बल्ब हमारा ऐड हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए जैसे जैसे मैं इसके ऑपरेटिंग आपको इस पर दिखाऊंगा, वो ये बल्ब चेंज करेगा कलर। रेड, वाइट, जिस कलर पे मैं लेके जाऊंगा ये उस कलर में ये मोड चेंज करेगा। इसमें सारे सॉफ्ट बना ऑलरेडी बना के रख रखे हैं हमने, उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑटो पे भी चल जाएगा, ये अपने आप कलर चेंज करेगा। सारे फंक्शन इसमें सब ऑलरेडी दे रखे हैं। ये म्यूज़िक सिस्टम भी है, ये भी जैसे आप इसे स्टार्ट करोगे अलाउ करना है इसे, जो आपके जो म्यूज़िक बजेगा उसके नियर बाय ये उसको साउंड से डिटेक्ट करके लाइट्स चेंज करेगा। ये मोर फीचर हैं इसके, शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, रिंग टाइम दे सकते हैं।
और यहीं से आप इसे ऑन ऑफ़ भी कर सकते हैं बल्ब को। ये मैं इसे ऑफ़ और यहीं से ऑन कर दिया। ये सारे इसके फीचर थे।